हरियाणा के सिरसा डेरे के मुखी बाबा राम रहीम की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल बेदबी से जुड़े तीन मामलों में केस चलाने की मंजूरी पंजाब की भगवंत मान सरकार ने दे दी है। ये मामले साल 2015 से जुड़े हुए हैं। पंजाब पुलिस ने राम रहीम के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी थी, मगर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। लेकिन अब पंजाब पुलिस राम रहीम को जल्द पंजाब लाने वाली है। यहाँ की अदालत ने तीन केसों में सुनवाई की है। बाबा राम रहीम को पंजाब लाने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। राम रहीम को लेकर पंजाब के जलंधर सेंट्रल जेल से विधायक रमन अरोड़ा ने बड़ा बयान दिया है। सर, राम रहीम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब सरकार ने मंजूरी दे दी है और पंजाब में अब उसका केस चलेगा। तीन केसों में सुनवाई होगी, जिसमें जो बेअदबी कांड है उस पर भी सुनवाई होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर? आम आदमी पार्टी सरकार जदों बननी सी, साडा मैनीफेस्टो सीगा, उहदे विच असीं कहा सी वी जिहड़ी साडे सिख वीरां नाल जिन्हां लोकां नाल बेअदबी होईआं वा उहनां नूं पूरा इंसाफ दित्ता जाएगा। उस तहत ही इह जिहड़ा केस राम रहीम दा जिहड़ा साडे पंजाब दे विच चलना शुरू होया, इह साडी सरकार दी बहुत वधिया उपराला और असीं इस चीज़ की प्रशंसा करते हैं। क्योंकि राम रहीम तकरीबन जो हरियाणा में रहा, हरियाणा जेल में रहा, काफी गंभीर आरोप लगे उस पर, यहाँ तक कि जो बलात्कार के भी आरोप लगे थे, तो उसके लेकर कैसे देखते? क्योंकि बार बार जब भी इलेक्शन आते थे तो उसे जो पैरोल मिल जाती थी। आम आदमी पार्टी की सरकार का ये विजन है भी जेड़ा भी बंदा गलत काम करेगा उन्हों बख्शा नहीं जाएगा, उदे ते पूरी कार्रवाई होएगी। आम आदमी पार्टी ने यह सिद्ध कर दिता वा कि यह सारे ही धर्मां का सत्कार कर दी है और जेड़े भी धर्म के नाल जिस भी बंदे दे नाल कोई गलत काम होगा उते पूरी कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी की बड़ी उपलब्धि है। अगर बात की जाए तो जो तीन केसों पे सुनवाई होनी है उस पे लग रहा है कि कोई नतीजा निकल बिल्कुल आएगा सामने? बिल्कुल नतीजा हासिल होगा, बिल्कुल नतीजा निकलेगा और उन्हों कठोर जेकर उदे विच उदा कोई भी पाया गया तो उन्हों उते पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सख्त तो सख्त कार्रवाई करके पंजाब के लोगों जिन्होंने बेअदबियां कीतियां ने उन्होंने पूरा अंदर कीता जाएगा और पूरा पंजाब दे लोकां नाल इंसाफ होएगा। अगर बात की जाए तो क्योंकि बाकी सरकारें भी रही हैं, कांग्रेस भी रही, अकाली दल भी रही, तो उस समय नहीं लाया गया, आम आदमी पार्टी सरकार लेकर आई, एक बड़ी जो पैरवी की गई। ये लोकां दा जिहड़ा दूसरिया सरकारां ने ये सिर्फ राजनीति कर दिया ने वोटां दी, पर असीं राजनीति कर रहे लोकां दे दिलां च वसण दी, लोकां दे मनां दे विच जो बेअदबी दी विरोधता सीगी भी जो लोग बेअदबी तो परेशान सके भी जिन्हां दे नाल धर्म दे नाल बेअदबियां होईयां ने वो हुण उन्हां दे पर्दे वाश होणगे और जो भी लोग गलत होणगे उन्हां ते कार्रवाई की जाएगी चाहे वो कोई भी हो। पंजाब में चार जगह जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट भी अनाउंस कर दिए हैं, अभी फिलहाल और पार्टियों ने भी करने हैं, तो कैसे देखते इस चुनाव को? आम आदमी पार्टी ने ही जितना, क्योंकि जलंधर दे लोकां ने यह दस दिता भी लोग आम आदमी पार्टी नूं कितना प्यार करदे आ और आम आदमी पार्टी दियां चारों सीटां आम आदमी पार्टी दी झोली च आ। ये बाकी हुण जिहड़ियां फॉर्मैलिटियां ने वो होणियां ने, जिहड़ियां जित है वो आम आदमी पार्टी दी निश्चित और तय है। अगर बात की जाए तो